प्लीज टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस द थोड़ा सा. एप्लीकेशन स्टार्टेड इन 2015 के अराउंड अक्टूबर नवंबर में. द एप्लीकेशन ओपन एक्चुअली प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन. अब क्योंकि 5-6 साल हो गए हैं, सो आई एम नॉट वेरी अप टू डेट अबाउट द होल प्रोसेस. हो सकता है चेंज हो गया हो, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ इट वेंट फॉर मी. तो अराउंड दैट टाइम, अराउंड द सितंबर अक्टूबर वाली विंडो में, जैसे प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन, उसमें जो ये होता है कि उसमें आपके बेसिक ग्रेड्स चेक करते हैं. ग्रेड्स जो होते हैं कि यू नीड टू हैव 80% अबव इन मैथ्स, इंग्लिश, बेसिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, साइंसेज होगी, इनके अंदर आपके पास मिनिमम 80% मार्क्स होने चाहिए. वंस यू डन, और उस प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन के अंदर और कुछ भी नहीं होता. आपको अपनी डिटेल्स, अपनी सिर्फ बेसिक डिटेल्स देते हो, अपनी डेमोग्राफिक डिटेल्स, आप कहाँ से हो, आप पहले अमेरिका जा चुके हो कि नहीं जा चुके, आपने इस प्रोग्राम के बारे में कहाँ से सुना, आप कौन से स्कूल में कौन से स्कूल में जाते हो, आपके पुराने ग्रेड्स क्या है, आपके वालिद साहब के बारे में, आपकी मदर के बारे में, सिबलिंग के बारे में. सो देयर इज ऑन एवरेज द ईयर आई अप्लाइड ऑन एवरेज आई थिंक अराउंड 10-15 हज़ार बच्चा अप्लाई करता है. ओके, दैट्स अ ह्यूज अब नंबर. तो डेफिनेटली डबल ट्रिपल लोग होगा क्योंकि अवेयरनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई. उस वक्त तो अवेयरनेस इतनी कम थी इस प्रोग्राम के बारे में. तो आपने एक प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन देते हो, वो जब आप सिलेक्ट होते हो, तो देन देयर इज आई थिंक 3 or 4 more rounds. वो आपको एक दफा बुलाएंगे, एक दफा आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, फिर उसके बाद एक दफा व्हेन दे आर डन विद चेकिंग यू कि आपने मिनिमम 80% ग्रेड आए, फिर उसके बाद दे स्टार्ट कटिंग डाउन ऑन किड्स बेस्ड ऑन देयर पर्सनालिटीज एंड देयर इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटीज एंड देयर लर्निंग एबिलिटीज. फिर वो आपका इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट होता है, आपका ऑडियो विजुअल क्या कहते हैं, टेबल. तो 2-3 राउंड उस चीज के होते हैं, आपको बुलाएंगे, आपसे ऐसे दिखाएंगे. फिर उसमें कट डाउन होता रहता है बच्चा. पहले आपसे, मेरा ख्याल है, हमारा सबसे पहले हमसे 3 ऐसे दिखवाए थे, फिर उसके बाद हमसे बुलवा के उन्होंने जो है वो एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप होती थी कि स्पीकर बोल रहा होता था इंग्लिश में, एंड वी हैड टू, वंस ही वाज डन टॉकिंग, वी हैड टू आंसर द क्वेश्चंस दैट वर ऑन द पेपर. वो होता था, वो करते 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 तो आई थिंक ये तीन, इस तरह 2-3 दफा हुआ ये टेस्ट लिया उन्होंने. एंड देन दे वर द फाइनल, दे हैड द फाइनल इंटरव्यूज. एंड और जो मेजर कटिंग होती है ना, जो शॉर्टलिस्टिंग होती है स्टूडेंट्स की, वो होती इंटरव्यू. ये दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट टू क्लियर. तो आई इनिशियली डिड नॉट पास द इंटरव्यू. मैं वेट लिस्ट में चला गया था. तो देर इज एक्चुअली इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू में तो ये इंटरव्यू जाके होता है, सॉरी मैं थोड़ी टाइमलाइन खराब कर रहा हूँ. ये इंटरव्यू जाके होता है तकरीबन जनवरी फरवरी के अराउंड इंटरव्यूज होते हैं. तो आपने इसमें 2015 के मैंने सेप्टेम्बर अक्टूबर में प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन दी, उसके बाद ये थ्रू आउट दिसंबर नवंबर दिसंबर ये सारे टेस्ट होते रहे, जिसमें एसेज आ गए, राइटिंग एसेज आ गए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग टेस्ट हो गए, ये सब हो गए. फिर फरवरी मार्च के अराउंड जो होते हैं आपके इंटरव्यूज होते हैं. इंटरव्यूज में आपसे क्या पूछते हैं, आपको बेसिकली जानना चाहते हैं कि आप डिफरेंट सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे. वो आपको क्लोजअप थोड़ा जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे डील करते हो सिचुएशन के साथ, आपका आपका आप कैसे रिएक्ट करते हो अगर आप किसी परेशानी में हो, तो वो देखना चाहते हैं वो. और मेजर जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो इसी के अंदर, सही. बच्चों को कट डाउन इसी में करते हैं. तो वंस आई वाज डन विद दैट ओके ओके इंटरव्यूज में वो आपसे ये, आपको डिफरेंट सिनेरियोस देंगे, अगर आपके होस्ट फैमिली आपको ये कहे, अगर आपको ये खाना पड़ जाए, अगर आपके पास ये चीज अवेलेबिलिटी, ये फीचर, ये क्या कहते हैं फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल ना हो, तो आप क्या करोगे. आपने बस थोड़ा स्मार्ट रहकर उसका जवाब देना होता है. अपने यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, क्योंकि वो देर मल्टीपल इंटरव्यूज, तो वही चेक करना चाह रहे होते हैं कि बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा, अपनी पर्सनैलिटी को फेक बनाना नहीं चाह रहा. तो बस ये चेक करने के लिए होता है वो इंटरव्यू. जस्ट लाइक अ मिनी आईएसएसबी, राइट? हाँ, आप समझ लो मिनी आईएसएसबी की टाइप की तरह का ही होता है. तो वंस यू डन विद दैट, उसके बाद फिर जो है वो आपकी सिलेक्शन हो जाती है. एंड देयर इज आई थिंक मेरे जब मेरा टाइम था, तो देयर वर 105 पीपल वर सपोज्ड टू बी सिलेक्टेड, और मैं 107th पे आया. मेरा 107th नंबर पे लिस्ट पे नाम आया था ना. ओके, बहुत होते हैं बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं लेकिन फिर वो एंड टाइम पे ड्रॉप, क्योंकि जाहिर है यू ट्रैवलिंग अब्रॉड, तो बहुत से बच्चे होते हैं इनको ज्यादा से ज्यादा क्वारंटाइन टाइम पे उनका प्लान चेंज हो जाता है, तो कट दे हैड टू दे वो छोड़ देते हैं. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. आई गॉट इनटू द वेट लिस्ट लेकिन मेरा नाम नहीं आया. तो मुझे पता चला फरवरी में, पता चला मुझे कि मेरा नाम नहीं आया. तो बस मैंने फिर छोड़ दी, उम्मीद छोड़ दी, एंड आई कंटिन्यूड माय ओ लेवल्स. और फिर कहीं 2 महीने बाद जाके आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द यस टीम के एक लड़की ने ड्रॉप किया था फ्रॉम पिशावर अराउंड इन केपी के. अ गर्ल ड्रॉप्ड आउट और फिर मेरी जगह बनी थी. तो जब तक मैं गया था तो सब बच्चों की ब्रीफिंग वगैरह हो चुकी थी, बिकॉज देन वंस यू गेट सेलेक्टेड देयर इज अ होल प्रोसेस. जब आपको वो, इसमें वो आपको ब्रीफ करते हैं कि आपने वहां जाके
अपने पैसों को कैसे डील करना है, अपनी फैमिली के साथ कैसे डील करना है, अपने लोकल कोऑर्डिनेटर के साथ कैसे डील करना है, आपने पढ़ाई में आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपसे स्कूल में अपनी कम्युनिटी कम्युनिटी सर्विस में आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसकी पूरी एक एक 2 हफ्ते की ओरिएंटेशन होती है दैट हैपेंस हियर इन इस्लामाबाद. ऑल्सो दिस प्रोग्राम फुली फंडेड ए टू जी, एवरीथिंग इज फंडेड. आप वहाँ जाते हो तो ये आपको मंथली एक स्टाइपेंड भी मिलता है. उसके अलावा हाँ, तो उसके अलावा जब मैं गया था तो वंस आई गॉट सिलेक्टेड तो ये ओरिएंटेशन वगैरह हो चुकी थी. तो फिर आई हैड टू आई हैड स्पेशल ब्रीफिंग्स जो मुझे उन्होंने बिठा के बताया कि ये बच्चों ये हमने अभी तक जो बच्चों को बताया वो ये है. और बस वो भी एक दफ़ा ब्रीफिंग हुई, देन वी केम टू इस्लामाबाद. इस्लामाबाद में फिर हमारी एक ओरिएंटेशन थी 1 week लॉन्ग. वी वर अंडर अलमनाइज, अलमनाइज हमें सिखाते थे अपने एक्सपीरियंसेस से कि हमने क्या सीखा और ये. तो बस और ये हुआ 2016 के सेप्टेम्बर में आई लेफ्ट. तो आई अप्लाइड इन 2015 सेप्टेम्बर में एंड देन आई सही डिपार्चर्ड द नेक्स्ट ईयर सेप्टेम्बर.